नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक मिशन के तहत चांद की सतह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतार दिया है। न्यूज एजेंसी AFP ने स्टेट मीडिया के हवाले से ये खबर दी है। करीब आधी सदी के बाद चीन पहली बार चांद की धरती से पत्थरों का सैंपल कलेक्ट करेगा, यानी कि वहां की मिट्टी उठाएगा। इससे पहले ऐसा अमेरिका ने अपोलो काल में साल 1976 में किया था। चीन का स्पेसक्राफ्ट चांगई 5 भारतीय समनुसार मंगलवार यानी कि 1 दिसंबर की रात 8:45 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस यान को 23 नवंबर को चीन ने चांद के लिए भेजा था। इसका नाम चंद्रमा की पौराणिक चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने में वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए चांद से सामग्री एकत्र करना है। चीन का चांगई 5 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद पर ऐसी जगह पर उतरा है जहां पहले कोई मिशन नहीं भेजा गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट को चांद की उस सतह पर उतारा है जहां पर करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी होते थे। ये चांद का उत्तर पश्चिम का इलाका है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। चीन ने अपना मिशन चांद के अंधेरे वाले हिस्से में नहीं भेजा। चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट में एक ड्रिलर और एक चम्मच लगा है जो चांद की सतह को खोदकर करीब 2 किलोग्राम मिट्टी और छोटे पत्थर इकट्ठे करेगा। इसका ड्रिलर चांद की सतह पर 2 मीटर की गहराई तक खुदाई कर सकता है। ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट कुछ हफ्तों के बाद धरती पर वापस आएगा। इसके साथ चांद की मिट्टी वापस लौटेगी, यानी 1976 के बाद पहली बार धरती के लोग चांद की मिट्टी देखेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। साइंस न्यूज वेबसाइट के अनुसार एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्लेनेटरी साइंटिस्ट जेसिका बंस कहती हैं कि लोग चांद के अलग अलग हिस्सों पर अपोलो काल से ही जा रहे हैं, वहां से मिट्टी ला रहे हैं। इस बार चीन लेकर आएगा। खुशी की बात यह है कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। जेसिका बंस अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा लाई गई मिट्टी के सैंपलों पर रिसर्च कर चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।